कुछ ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाते हैं, जिनको लोग बहुत जल्दी परचेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्मार्टफोन होते हैं जिनका लोग काफ़ी टाइम तक वेट करते रहते हैं और वो उतने ही ज़्यादा डिले होते रहते हैं। वैसा ही कुछ हुआ था ऑनर के साथ। ऑनर 9X का लोग कब से वेट कर रहे हैं, सेप्टेम्बर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवम्बर निकल गया, दिसंबर निकल गया, बहुत से लोगों ने तो दूसरा फ़ोन ख़रीद भी लिया हुआ, लेकिन काफ़ी सारे उसमें से अभी भी ऐसे लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे ऑनर 9X का कि आपको ये इंडिया में कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 14th जनवरी 2020 में ये स्मार्टफोन भारत में देखने को मिलेगा। इसका लैंडिंग पेज भी फ्लिपकार्ट पर दोस्तों आ गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन 2020 में जो आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे, उस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑनर 9X डेफिनेटली आपको इंडिया में जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की 2020 वाली, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जाकर के उस वीडियो को चेक करें और कौन से आपको स्मार्टफोन जनवरी के महीने में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो की तरफ जाने से पहले आप इस ऑनर 9X के बारे में सारी की सारी स्पेसिफिकेशन सुन लीजिए कि क्या इंडिया में स्पेसिफिकेशन लेकर के आया है और इसकी प्राइस कितनी है, क्या आपको ये स्मार्टफोन जनवरी 2020 में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बास्मिक टेक्चल पे। जब फ्रेंड्स बात करें हम लोग यहां पे इसकी डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो इसकी जो डिज़ाइन में है बैक में आपको डुअल कैमरे देखने को मिल जाएंगे। बैक में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा फिजिकल टच वाला, और ना ही आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो आपका पावर ऑन ऑफ का बटन होता है वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है और ये थोड़ा सा एक नया भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बैक वाले और डिस्प्ले वाले तो काफ़ी सारे फ़ोनों में आ रहे हैं, इस बार उन्होंने साइड में दिया है। और हाँ दोस्तों, डिस्प्ले इसमें आपको 6.59 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको फुल बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है। वैसे जितने भी फ़ोन आते हैं वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आते हैं, तो फ़ोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी का है, क्योंकि हर कंपनी वही नॉच वाली डिस्प्ले लेकर के आ रही है। इस बार कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जहाँ पर आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलती है, उनमें ऑनर का 9X भी शामिल हो गया, तो डिस्प्ले अच्छी है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नॉच नहीं है, तो आपने गैस कर लिया होगा इसका जो कैमरा रहने वाला है वो पॉपअप कैमरा रहने वाला है, और ये ऑनर का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि पॉपअप कैमरा के साथ आ रहा है। कितने मेगापिक्सल का दिया गया है अभी हम दोस्तों आगे आपको बताते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB वेरिएंट के साथ आएगा। मतलब आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, आप जिस भी वेरिएंट को प्रेफर करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करो, और हाँ दोस्तों ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। कैमरा दोस्तों इसमें बैक में आपको दो देखने को मिल रहे हैं, 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी सेंसर है और दूसरा कैमरा जो आपको देखने को मिल रहा है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी वाला देखने को मिल रहा है, और जो कि आता है 16 मेगापिक्सल के साथ, मतलब आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट में सेल्फी देखने को मिल जाएगी जो कि आपके फ़ोन को नया लुक देती है। जब आप अपने फ्रंट के कैमरे को ऑन करते हैं तो वहाँ से कैमरा निकल के आता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा लगता है आपके जो लोग देख रहे होते हैं। वैसे हालांकि ये काफ़ी सारे स्मार्टफोन में आ रहा है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दिखने में अच्छा लगता है। वैसे क्या लगता है आपको इस पॉपअप कैमरे के बारे में, क्या आपको ये अच्छा लगता है या आपको वही नॉच वाला कैमरा अच्छा लगता है या आपको इन डिस्प्ले वाला कैमरा अच्छा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ा जो है इस स्मार्टफोन का है वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको किरीन का 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है। हाँ दोस्तों बात करें 6.59 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से उन्होंने बैटरी भी डाली है। इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो 4GB 64GB वाले वेरियंट की जो प्राइस रहने वाली है वो 14,000 रुपये रहने वाली है, वही 6GB 64GB वाले वेरियंट की जो प्राइस रहने वाली है वो 16,000 रुपये
पे रहने वाली है, और इसका हाई वेरिएंट 6GB 128GB वाला आएगा, उसकी प्राइस रहने वाली है वो 19,000 रुपये रहने वाली है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम प्राइस है, एवरेज प्राइस है। अगर आपको परफॉर्मेंस ध्यान में रखनी है तो ये इस स्मार्टफोन की साइड जा सकते हैं, अदरवाइज आपको सब कुछ देखना है तो मार्केट में बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये स्मार्टफोन उस टाइम पर अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च हो जाता तो काफ़ी सारे लोग इस स्मार्टफोन को परचेज़ करते हैं, लेकिन अब इस टाइम पर परचेज़ करेंगे लेकिन नंबर ऑफ पीपल कम परचेज करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे मार्केट में और भी फ़ोन अवेलेबल है। वैसे क्या लगता है आपको ऑनर 9X के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ये स्मार्टफोन लोगों को ख़रीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन हम आज आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ऑनर 9X की सारी जानकारी मिल गई होगी और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों इसके कंपटीशन में एक और स्मार्टफोन आया है, अगर आप कोई बजट वाला देखना चाहते हैं, वो 9th ऑफ जनवरी 2020 में लॉन्च हो रहा है, वो है रियलमी का 5i। हमने उस पर कंप्लीटली डिटेल्स में वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में भी उसका आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को भी जरूर से दोस्तों चेक कर लेना। और हां दोस्तों, हमारी टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो 2020 में जनवरी में लॉन्च हो रहे हैं, वो देखना आप बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों अभी तक बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, और हाँ, बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।